देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल पी एफ एक्स। देखिए यहाँ एक्स में है ना सारा, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पी एफ एक्स ये पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है ना, जी एफ एक्स से। ये जी एफ एक्स है, और फिर हमें क्या करना है, फाइंड द कोफिशियंट एंड रिमाइंडर, ठीक है ना। और हमें क्या करना है, फिर कोफिशियंट एंड रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट में देखा तो आप फर्स्ट पार्ट को पहले देख ले, ठीक है ना, बड़े अच्छे से इस चीज़ को समझाया हुआ है, ठीक है। देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ करते हैं, अंतर क्या रहेगा, एक्स की पावर 4 माइनस 3x², यहाँ क्यूब नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, क्यूब को भी लेकर चलते हैं, एक सेकेंड आप रुके। हम अगर इनको कैसे, जैसे ये पी एफ एक्स है, ठीक है ना, अगर इनको क्या बनाते हैं, हम यहाँ पे आप देखें, पी एफ एक्स को हम ऐसे लिखते हैं, पी एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, यहाँ आपके पास क्यूब नहीं है तो हम ऐसे लेके चलते हैं, प्लस 0x³, ठीक है, माइनस 3x² प्लस 4x और प्लस 5, ठीक। और उसी तरह से फिर जी एफ एक्स को हम कैसे लिखते हैं, पहले एक्स की पावर 2 है, फिर एक्स की पावर 1 आएगी, और प्लस लास्ट पर हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए, अब देखिए आप यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर 4 है, ठीक, प्लस 0x³, 0x³ माइनस 3x², ये हमने जो 0x³ लाया अपनी तरफ से लाया, ठीक है ना, क्योंकि इसको क्या करने के लिए, एक इसकी जो सीक्वेंस बनाने के लिए इसको, ठीक है ना। ये 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, आगे आपके पास क्या आएगा, 1 वाला आएगा, मतलब 4 यहाँ एक्स पावर 1 आएगी, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4, और लास्ट पे हमारे पास बचा है क्या, 5, जो है हमारे पास कांस्टेंट दिया हुआ, ठीक है ना। तो ये देखिए आप, ठीक है, इस सारे को हमें डिवाइड करना है किससे, x² माइनस x और प्लस 1 से, ठीक है। तो देखिए हमारा काम है सबसे पहले वाली टर्म को खत्म करना। तो x² इंटू कितना करें, तो x की पावर 4 होगा, अगर हम x की पावर x करते हैं तो कितना बनता है, ये x का क्यूब। देखिए ये सारी चीज़ें फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है ना, कि ये क्यूब कैसे होता है, ठीक है ना। देखिए जिसकी पावर कुछ, उसकी पावर 1 होती है, ठीक है ना, तो जब बेस सेम होती है पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, एक्स सेम रहेगा और 2+1 करेंगे, 2+1 क्या पावर्स हैं, ठीक है ना। तो इस इक्वल टू एक्स की पावर 3 हो जाएगी, ठीक, इसका मतलब हमें 3 नहीं चाहिए, हमें 4 चाहिए। तो x² इंटू अगर हम x की स्क्वेयर करते हैं तो कितना हो जाएगा, बेस है ना x, बेस सेम रहता है, ऊपर पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो x की पावर 2+2 इज इक्वल टू एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि x² से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, x की पावर 4 बन जाएगा, ठीक। आगे आप देखें, ये -x है और यहाँ x है, तो -x इंटू x² करें कितना बन जाएगा, x³ बन जाए, तो x³ के नीचे x³ ही लिखना है, x² के नीचे x² को ही लिखना है, एक्स के नीचे एक्स को ही लिखना है, कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म को ही लिखना है। जैसे 1 है ना यहाँ और यहाँ 5 है, तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म ही लिखनी है, ठीक है ना। तो ये इसको मल्टीप्लाई किया, इससे एक्स पर 4 बन गया। फिर इस माइनस को करना, माइनस एक्स को करना है किससे, x² से, तो -x³ बन जाएगा। और फिर ये प्लस है ना, तो 1 × x² करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा, प्लस x², ठीक है ना। यहाँ माइनस लगा हुआ है साथ में, इसलिए हमारे पास क्या होगा, इसमें भी माइनस आएगा, ठीक। तो हमने क्या करना होता है, हर जगह माइनस लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस क्या है, जिसके पीछे कुछ नहीं, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। माइनस इंटू प्लस किया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, ऊपर वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, बचा हमारे पास ये। अब देखिए यहाँ पर माइनस इंटू माइनस करें क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो मतलब x³ प्लस 0x³ करें तो x³ ही बचेगा, ये हुआ हमारे पास x³, ठीक। फिर माइनस इंटू प्लस करें तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस x² और माइनस 3x², यहाँ देख लें आप, माइनस x² और माइनस 3x², तो यहाँ जब माइनस माइनस लगा होता है, इसका मतलब होता है कि इन दोनों को प्लस करना, 3x² और 1x² करें कितना होता है, 4x², माइनस माइनस का मतलब क्या होता है कि प्लस करना होता है, लेकिन निशानी किसकी रहती है, साइन किसका रहता है, माइनस का रहता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब -4x² यहाँ पर आएगा, ठीक। बाकी आप देखें जैसा है वैसा ही आएगा, +4x और +5, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि एक्स क्यूब बन जाए, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वेयर को जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा। कितना बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। अब आगे आप देखिए माइनस एक्स इंटू एक्स, अब इसको भी इससे करना है और फिर वन को भी इससे करना है, ठीक है ना। तो माइनस एक्स इंटू एक्स किया तो कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वेयर होगा, ठीक है ना। और फिर प्लस वन है, वन इंटू एक्स किया तो कितना होगा, एक्स होगा। देखिए एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब आएगा, स्क्वेयर के नीचे स्क्वेयर आएगा, और बिना वन के नीचे मतलब खाली एक्स के नीचे खाली एक्स ही आएगा, ठीक है। यहाँ भी माइनस लगाएं, यहाँ भी लगाएं और यहाँ भी लगाएं, ठीक है। अब पहले पार्ट्स को, पहले पार्ट जो मैंने करवाया उसको अच्छे से देखें, बाकी आप में किसी पार्ट में आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो माइनस ये है, इधर है प्लस, ठीक है ना। माइनस इंटू प्लस किया तो कितना होगा, जिसके पीछे कुछ नहीं, बार बार बता रहा हूँ, जिसके पीछे कुछ नहीं उसके पीछे प्लस होता है, ठीक है ना। तो माइनस इंटू प्लस किया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ये माइनस का एक्स क्यूब और ऊपर वाला प्लस का एक्स क्यूब, माइनस प्लस क्या होता है, जीरो हो जाता है ना। तो ये खत्म हो गया। आपके पास यहाँ बचा माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चार में से एक निकालें तो कितना होता है, तीन, तीन एक्स स्क्वायर। चार एक्स में से, चार एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकालें, कितना बचेगा, तीन एक्स स्क्वायर बचेगा। लेकिन आप देखें यहाँ चार जो है के साथ जो है माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब बड़ी जो टर्म है उसके साथ माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब आंसर भी किसमें आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो माइनस तीन एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस तीन एक्स स्क्वायर आएगा। आगे देखिए आप, ये माइनस इंटू प्लस के तो माइनस हुआ, चार एक्स माइनस तीन एक्स करें कितना होता है, चार एक्स माइनस तीन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, कितना होता है, एक्स होता है। तो प्लस क्या होगा, एक्स तीन एक्स होगा, चार एक्स में से एक एक्स निकाले तो तीन एक्स, ठीक है। और प्लस लास्ट पे पाँच बचा होगा, ठीक है। अब आपने क्या लाना है, माइनस तीन एक्स स्क्वायर हमें चाहिए। तो एक्स स्क्वायर अगर हम करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू थ्री करते हैं तो कितना बन जाता है, थ्री एक्स स्क्वायर बन जाता है, लेकिन हमें माइनस चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर करें तो कितना होता है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस थ्री करेंगे, ठीक है ना। तो माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। देखिए जो ऊपर वाली टर्म होती है ना, बिल्कुल सेम हमें नीचे भी लाने होती है, ठीक है ना। तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस थ्री करें तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक। आगे देखिए आप, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। एक्स इंटू थ्री करें कितना होता है, थ्री एक्स होता है, कितना होता है, थ्री एक्स होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस थ्री एक्स करेंगे, ठीक। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या, माइनस है। थ्री इंटू वन करें तो कितना होगा, थ्री होगा, लेकिन माइनस का थ्री होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है, ठीक है। यहाँ भी लगाएं माइनस, यहाँ भी लगाएं माइनस, और यहाँ भी लगाना है माइनस, ठीक है। देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। मतलब ये तीन एक्स स्क्वायर बन गया और ऊपर माइनस का तीन एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, देखिए आगे भी देखें आप, ये माइनस है, ये प्लस है, तो मतलब ये माइनस तीन एक्स हो जाएगा और ऊपर प्लस का तीन एक्स हो जाएगा। ये भी खत्म हो गया आपके पास। नीचे आप देखें, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। मतलब ये पाँच है और प्लस तीन करें क्या होगा, आठ होगा, क्या होगा, आठ होगा, ठीक है। तो इस तरह से हुआ हमारे पास क्या, रिमाइंडर आठ और कोफिशेंट क्या, ये वाला, ठीक है। देयर फोर लास्ट पे हम लिखेंगे, देयर फोर रिमाइंडर इस, रिमाइंडर हमारे पास कितना है, एट, ठीक है ना। एंड यहाँ पर पहले क्वेश्चन निकालना, ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखना है, यहाँ पे आप लिखो देयर फोर कोफिशियंट इस कितना है, ऊपर देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, एंड ये रहा हमारे पास रिमाइंडर, रिमाइंडर इस कितना है, आठ, ठीक है ना। तो इस तरह से हुआ हमारे पास इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कंप्लीट, ठीक है ना। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड पार्ट करेंगे।